हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब। आज हम बनाएंगे दाल बाटी, जो कि राजस्थानी बहुत फेमस डिश है और कोई भी मेहमान आता है तो बहुत जल्दी आइडियाज़ आ जाते हैं ये बनाने के लिए। देखिए हम बनाएंगे कैसे, किस तरह से बाटी। मैंने ये एक वीडियो में पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम बाटी बनाएंगे। बाटी बनाने का डो मैंने आपको बताया है, उसी तरह से हम इस वीडियो में भी बाटी बनाएंगे। देखिए गोल गोल बना लिया है हमने। अब हम ओवन ऑलरेडी बेक करने के लिए गर्म कर चुके थे, अब बाटी रख रहे हैं उसके अंदर और उसको अच्छे से जमा देंगे। एक बार में 10 से 12 बाटी हम बेक कर सकते हैं गैस वाला जो ओवन होता है। आप चाहे तो माइक्रोवन में भी बेक कर सकते हैं बाटियों को। माइक्रोवन की भी अच्छी लगती है, पर देसी चीज़ तो देसी ही होती है। गैस पर सिकी हुई बाटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती। ये देखिए हमारी दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसे इस तरह से प्रेस करके आधा हाफ घी और आधा तेल में तलेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आता है। और इसी तरह सभी बाटियों को दबाकर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम फ्राई करेंगे। और ये हमारी बाटियाँ थोड़ी सी लाइट तलना है हमें, ज़्यादा डार्क नहीं तलना है, क्योंकि ज़्यादा डार्क तलने से उस कड़क हो जाता है उसके ऊपर का कवर। तो देखिए किस तरह से हमारी बाटियाँ तल रही हैं, एक तरह से लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम उनको पलट देंगे। ये देखिए तल चुकी हैं हमारी दोनों तरफ से, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमारी बाकी सब बाटियाँ हम इसी तरह तलकर निकाल कर एक तरफ रख लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे दाल, जो कि बहुत स्पेशल चीज़ है दाल और बाटी, और वेजिटेरियंस की सबसे फेवरेट डिश होती है। ये हमारी बाटियाँ तैयार हो चुकी हैं। तलने के बाद बड़ी खूबसूरती आ जाती है इनमें, एकदम से जैसे किसी बहुत अच्छी दिखने लगती हैं और लुक भी अच्छा लगता है उसका, तो हमें खाने का मन करता है उसकी जो तलने की खुशबू होती है। आइए अब हम बनाएंगे दाल। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे तेज़पत्ता। उसके बाद हम उसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन। हम बारीक बारीक काट लेंगे लहसुन को, और उसमें खड़ा गरम मसाला जो आपके पास अवेलेबल हो, काली मिर्च है, लौंग है, तज है और सिनेमन है और पत्थर फूल हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सब चीज़ें हम डालेंगे। देखिए हमारा तेज़पत्ता तल चुका है, अब हम इसके अंदर खड़ा गरम मसाला डालेंगे और उसी के साथ हम ज़ीरा, राई और लहसुन भी साथ में ही डाल देंगे। ये सब फ्राई हो रहा है, अच्छे से इसे फ्राई होने देंगे। ज़ीरा जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाता और बाकी मसाले सब तल नहीं जाते जब तक हम इसे चलाएंगे स्पून से थोड़ा सा। और ये अब हम इसके अंदर डालेंगे हींग, डालेंगे अब इसके अंदर खुशबू के लिए, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे। देखिए अच्छी तरह से भूनेंगे हम इसे। अब इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे, इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे 2 चम्मच, और अच्छे से मसाला भूनेंगे। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से फीका या मीठा कर सकते हैं। और धनिया पाउडर भी हम इसी में साथ में डाल देंगे और उसे अच्छे से चलाएंगे और भूनेंगे। और इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से मिर्ची कम कर सकते हैं अगर आप फीका खाना पसंद करते हैं तो। वैसे दाल बाटी में दाल थोड़ी सी स्पाइसी हो तो ही मज़ा आता है, क्योंकि बाटी ऑलरेडी फीकी होती है उतना, उसमें मतलब सिर्फ नमक होता है, तो स्पाइसी दाल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसके अंदर 3 कप तुअर की दाल, जो हमने पहले से धो के रखी थी, अब हम उसके अंदर वो डाल देंगे। और दाल के साथ दाल को मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी देर भूनेंगे, ताकि हमारा दाल के जो खुशबू है और जो टेस्ट है वो और बढ़ जाए। अब हम इसके अंदर, जैसे आपने 3 कप लिया है दाल तुअर की, तो हम उसके अंदर 3 फुल कप पानी डाल देंगे। बड़ा वाला जो कप आता है उससे हम 3 कप पानी डाल देंगे और उसे अच्छे तरीके से पहले तो दाल को भूनते रहेंगे। हमारी दाल अच्छे से भून जाएगी और मसाला छोड़ देगा जिस भी कुकर में हम बना रहे हैं या पैन में बना रहे हैं, तो हम उसे अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। अब हम उसके अंदर पानी डालेंगे, नमक डाल रहे हैं, आप अपने नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। ये हमारे यहाँ नमक तेज़ खाया जाता है, इसलिए हम 3 चम्मच डाल रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर टेस्ट के लिए गरम मसाला मिक्स करेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और इससे चटपटी हो जाती है दाल। अब हम इसके अंदर
सीटी लगा लेंगे पानी डालकर कुकर में। देखिए ये हमारी दाल तैयार है। अब हमने इसके अंदर कोरिएंडर डाल दिया है, ग्रीन हमने हरा धनिया काट कर रखा था पहले से ही, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये अब हमारी दाल तैयार है सर्व करने के लिए। आइए देखिए हम सर्व करते हैं। प्लेट दाल बाटी और नींबू के अचार और आम के अचार के साथ बहुत टेस्टी लगती है, और साथ में अगर प्याज सैलेड हो तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए हम इसे टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से लग रही है। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो खाने का मन कर रहा है, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। शायद आपका भी मन कर रहा होगा, तो आप भी अपने घर बनाइए, टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।